ओम शांति। 29 नवंबर 2019। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यह राजियों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो, कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग रखना जरूर पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। यह याद ना रहने से जौहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं, योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है।
आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं हैं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात नहीं। यह है पारलौकिक पढ़ाई, यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं, उस इम्तहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नई है। नयों को पढ़ाते हैं, उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को बहुत धोखा देती है, भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देहे अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है, तुम समझते होंगे। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह नंबर 1 है, फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था, कल की बात है। बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो। तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या?
जरा भी नहीं समझते। ऊंच ते ऊंच श्रीमत भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं, तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है, शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं। यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि हैं, शुरू से चले आते हैं। नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था, राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल, पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असुल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते, ना खुशी है ना रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं
हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, कहते तो सब हैं, हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, यह तो बाप ही पूछते हैं। तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं, यह ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ, बाप भी खातरी देते हैं, यह सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं, पराए देश पराए शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है, बाप तो जानते हैं ना। यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है, मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो, यह बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी होना, भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ करना, हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं, बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते भी हैं बंदर सेनाली। यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है, जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना। बाप भी कहते हैं, यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है, कहते हैं हरेक ईश्वर का रूप है, तो हरेक ईश्वर बन
क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं, यह तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। बाप उल्हेना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में हैं, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है, ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो, बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे।
स्लोगन, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो. ओम शांति. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.